सब्सक्राइब कीजिए यस फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार, एएस फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अस्तर वाली आस्तीन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। आर्म होल हमारे पास 6.5 इंच है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे तो 8 इंच हो जाएगी। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ से हम नाप लेते हैं, देखिए 8 इंच है यहाँ पर। चूँकि हमें 2 आस्तीन बनानी है तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आस्तीन की लंबाई हमें 5 इंच रखनी है तो इस तरह से हम 5 इंच रख लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर लेते हैं क्योंकि ऊपर भी जुड़ने के लिए चाहिए 1/2 इंच और नीचे भी सिलाई के लिए चाहिए तो 1 इंच हमने प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर ये 6 इंच देखिए इस तरह से हम काट लेंगे। इसलिए हमने इस कटिंग की है ताकि हमारा कपड़ा अधिक नहीं लगे। देखिए अभी इस तरह से हमें 2 आस्तीन बनानी है। यहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से हमें 6.5 इंच पर ये डॉट लगानी है क्योंकि 6.5 इंच हमारे आर्म होल है। आस्तीन की गोलाई हमारे पास 12 इंच है, उसका हाफ 6 इंच, यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से रख करके यहाँ पर ये हम एक लाइन बना लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। और ये हमें इतना कपड़ा इसलिए रखना है सिलाई के लिए चाहिए हमें। यहाँ पर हमें एक कट लगाना है। इसके बाद हम इस तरह से रख लेते हैं आस्तीन को और यहाँ से हम 3 इंच की दूरी यहाँ से इस तरह से शेप बनाएंगे। ये साइड हमारा आगे की साइड आती है और इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से रख करके थोड़ा सा इसको कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेते हैं। इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और आस्तीन को हम इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रख लीजिए। और इस तरह से हम काट लेंगे। देखिए ये कपड़ा हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काटना है
क्योंकि थोड़ा सिलाई करते समय इधर उधर हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट ली ताकि हमें सिलाई करने में प्रॉब्लम नहीं। इसको हटा देंगे, यहाँ से ये बंद है, यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। देखिए, इस कपड़े को हमें सीधी साइड से रखना है, उल्टी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। और ये तो प्लेन है, दोनों साइड से एक सा है, तो इसे तो हम किस साइड से भी रख सकते हैं। इस तरह से रख करके देखिए यहाँ पर बराबर करके रखना है हमें। और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर सिलाई पूरी हो चुकी है। अब इस तरह से हम पलट लेंगे, देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे जहाँ पर हमने ये सिलाई की थी। देखिए ये अंदर आ जाएगी और यहाँ पर हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे ताकि ये कपड़ा हमारा दब जाए। देखिए इस तरह से ये दब चुका है, इस तरह से आगे भी हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से सिलाई हो चुकी है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, हम थोड़ा लंबी चाल कर लेंगे, यहाँ पे लंबी चाल से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने लंबी चाल कर ली है। और यहाँ से सिलाई देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। और यहाँ पर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसको हम कट कर लेंगे। जो ये हमारा अस्तर है उसी के बराबर हमें रखना है।
तरह से। हमने बना ली। देखिए यहाँ पर हमें आस्तीन पर लेस लगानी है। हमारे पास ये इतनी लेस है, इसको हम नाप लेंगे। देखिए दोनों आस्तीन पर हमें लगानी है, तो पहले हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड में करके कट कर लेते हैं। अब इसको हम नाप लेते हैं ये हमारी कितनी लंबाई की है। देखिए ये 14 इंच है ये। देखिए यहाँ तक 14 इंच लंबाई की है ये, तो इसका हाफ हुआ 7 इंच। तो यहाँ से देखिए आस्तीन को हम ने इस तरह से मोड़ लिया है, और इस सेंटर से जो ये सेंटर है हमारा, यहाँ से हम 7 इंच रखेंगे, क्योंकि 14 इंच की ये हमारे पास लेस है, तो इसका आधा हुआ 7 इंच। तो 7 इंच इस साइड आ जाएगी और 7 इंच इस साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से नाप करके 7 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस साइड भी 7 इंच पर ही निशान लगाना है। चलिए अब मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। देखिए लेस को हम यहाँ से इस तरह से मोड़ लेंगे बहुत थोड़ा सा, ताकि लेस के धागे नहीं निकले, और जहाँ ये हमने निशान लगाया था यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। और लेस के किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है। और अब हम सिलाई को इस तरह से मोड़ लेंगे। और अब हम इस साइड सिलाई लगाते जाएंगे लेस के दूसरी साइड। ठीक इसी तरह हमें दूसरी आस्तीन बनानी है। देखिए इस तरह से ये दोनों आस्तीन तैयार हो चुकी है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के नए नए आइडियाज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।